हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारोकस यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल प्रोवाइड यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मेसी कोर्स सो फार्मेसी का जो कोर्स है उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में जानकारी देंगे तो फार्मेसी के अंदर कौन से कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं प्लस उसके अंदर कौन से अलग अलग कोर्सेज होते हैं वॉट इज द एलिजिबिलिटी टू गेट द एडमिशन इन ए फार्मेसी कोर्सेज एंड वॉट इज़ फार्मासी तो सबसे पहले तो फार्मेसी क्या है हु इज़ फार्मासस्ट फार्मेसी के अंदर एडमिशन कैसे लिया जाता है उसके बाद उसके लिए जो योग्यता जो हम कहते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी के क्या आपने स्टडी की होनी चाहिए कि जिसके कारण आपको फार्मेसी के अंदर एडमिशन मिल सकता है तो ये क्वेरी जो है वह बहुत सारे लोगों को होती है कि किसी भी कोर्स के अंदर जब आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले वो कोर्स के रिलेटेड आपको अच्छे से होनी चाहिए जानकारी तो उसी के रिलेटेड आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है एंड उसमें हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड जानकारी देंगे रिगार्डिंग द कोर्स फार्मेसी तो सबसे पहले मैं ये स्लाइड के अकॉर्डिंग टू आपको जो बेसिक कुछ बताऊँ तो फार्मेसी मतलब कि साइंस ऑफ मेडिसिंस कि मेडिसिनस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं और उसके रिलेटेड जो पूरा साइंस है मेडिसिनस का वो है फ़ार्मेसी कि जिसके अंदर किस तरह से कोई मेडिसिनस को बनाई जाती है कि लाइक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टैबलेट है या फिर कैप्सूल है तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं फिर उसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है ड्रग कि जिसके कारण कोई भी पेशेंट जो है वो ठीक होता है कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं दवाई तो जो ड्रग है दवाई है वो किस तरह से बनाई जाती है फिर किस तरह से उसकी किसी पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट होती है प्लस उसके जो अलग अलग हम डोजेस फॉर्म देखते हैं कि लाइक टैबलेट्स भी होती है सिरप होती है उसके अलावा आप इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो एक ही मेडिसिन अलग अलग फॉर्म में भी अवेलेबल होती है तो वो सभी रिलेटेड जो स्टडी है वो फार्मेसी के अंदर होती है तो उसी के हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे तो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो के अंदर तो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्लेस ऑन द बेल आईकॉन ए नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरॉक्स फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूज करते हैं तो फार्मरॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं तो उसको ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी तो व्हाट इज़ फार्मेसी तो फार्मेसी का जो डेफिनेशन बनता है या फिर कोई बेसिक हमें इंट्रोडक्शन हम दे फार्मेसी का तो फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ मेडिसिंस कि जो भी हम अलग अलग मेडिसिन वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड जो साइंस है वो है फ़ार्मेसी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ रिसर्च फार्मेसी का जो कोर्स है वो एसोसीटेड है स्पेशली ऑन रिसर्च कि वहाँ पर जो फार्मेसी की जो स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं मैन्यूफेक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जब कोई मैन्यूफेक्चरिंग होता है कि आप लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मेडिकेशनस है कि टैबलेट या फिर कैप्सूल कि उसका सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद उसको अच्छे से उसकी जो गुणवत्ता है वो चेक करनी होती है कि किस तरह से उसकी क्वालिटी वग़ैरह है तो उसके रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एनालिसिस कि उसकी गुणवत्ता क्वालिटी वग़ैरह चेक करने के बाद ही उसको मार्केट में अप्रूवल किया जाता है उसके बाद उसका प्रॉपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वो होता है थ्रू द ड्रग स्टोर कि मेडिकेशन का सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया प्रॉपर एनालिसिस भी हो गई उसके बाद जरूरी है कि उसको हम ड्रग स्टोर पे अवेलेबल कराएं और ड्रग स्टोर पे अवेलेबल करवाने के लिए ज़रूरी होता है वो मेडिसिन का प्रॉपर करना डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फार्मासिस्ट कि जिन्होंने फार्मेसी की स्टडी की हुई है तो जो क्वालिफाइड पर्सन की जिसको हम कहते हैं फ़ार्मासिस्ट कि जिन्होंने फार्मासी का कोर्स किया हुआ है वो फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं ड्रग स्टोर के अंदर भी कि जहाँ पे फार्मासिस्ट ही है कि जो मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को देते हैं प्लस मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होते हैं एज़ वेल एज़ उनके एनालिसिस का है, हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सगी जगह पे सेंटर में है ये फार्मासिस्ट तो मेडिकल रेसिपी की किस तरह से आप उसको बनाओगे उसके रिलेटेड जो केमिस्ट्री है प्लस हेल्थ केयर के अंदर मेडिसिन का यूज़ एज़ वेल एज़ उसके रिलेटेड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हम कहते हैं वो एक पूरा बिजनेस है तो मेडिकेशंस में अलग अलग टैबलेट कैप्सूल्स विटामिन है वग़ैरह के जो हम अलग अलग जो टैबलेट बनाते हैं कैप्सूल्स बनाते हैं सिरप इंजेक्शन वो सभी के रिलेटेड जो स्टडी है वो फार्मेसी के अंदर की जाती है तो फार्मेसी है एक साइंस ऑफ ए मेडिसिन एसोसिएटेड विथ रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू डिलीवर अ सेफ एंड इफ़ेक्टिव ड्रग एंड डोजेस फॉर्म टू द कम्युनिटी कि जो भी कम्युनिटी है उसको आप ऐसा कुछ डोजेस फॉर्म बनाकर देना चाहते हैं कि डोजेस फॉर्म मतलब कि जो हम यूज़ करते लाइक कोई टैबलेट यूज़ करता है कोई कैप्सूल यूज़ करता है कोई सिरप यूज़ करता है कोई इंजेक्शन यूज़ करता है मतलब कि जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल होती है किसी भी केमिस्ट स्टोर पे, ड्रग स्टोर के ऊपर या फिर फार्मेसी के अंदर तो वो सभी ऐसी बननी चाहिए कि वो सेफ़ हो एक तो कि जो भी व्यक्ति उसको यूज़ करता है जो भी पर्सन उसको यूज़ करता है उसके लिए ये मेडिसिन सेफ़ होनी चाहिए साथ में इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए एंड प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे से स्टेबल रहे और पेशेंट उसको इजीली और कन्वीनियंसी से यूज़ कर पाए तो ये सभी स्टडी जो है वो फार्मेसी के कोर्स के अंदर डिटेल में कराई जाती है कि जहाँ पे जो फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सभी के रिलेटेड अच्छे से स्टडी करते कि किस तरह से मेडिसिन को बनाया जाता है फिर उसके रिलेटेड जो रिसर्च करने होते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसकी गुणवत्ता चेक करना मतलब कि एनालिसिस फिर उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद जब मार्केट में वो अवेलेबल हो जाए कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए तो वो जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाई है वो सेफ होनी चाहिए एंड इफेक्टिव क्लब किसी पेशेंट को हुआ है फीवर तो फीवर के लिए हम जो कोई बेसिक मेडिसिन देते हैं वो है पैरासीटामोल तो पैरासीिटामॉल जब हम देते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस ये रहे कि पैरासीटामॉल खाने के बाद पेशेंट का जो फीवर है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए क्योर हो जाए पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाए प्रॉपर क्योर हो जाए और पेशेंट ठीक हो जाए ऐसे तो बहुत सारे डिसीज़े सभी के रिलेटेड अलग अलग मेडिसिन होते हैं तो मेन टारगेट ये है कि जो भी आप पैरासीटामोल का टैबलेट बनाते हो कैप्सुल बनाते हो सिरप बनाते हो या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में है किसी भी मेडिसिन तो वो पेशेंट के लिए होनी चाहिए सेफ एज वेल एज द इफ़ेक्टिव तो यही टारगेट होता है फार्मेसी के अंदर जो स्टडी करते हैं उनका कि लास्ट में अपनी स्टडी का यूटिलाइजेशन करके वो ऐसे डोजेस फॉर्म बनाए ऐसे मेडिकेशंस बनाए कि जो सोसाइटी को हेल्प करें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हम कहते हैं कि मेडिसिन के बिना किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह से ठीक करना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता कि किसी को कोई डिसीज़ है डिफेक्ट है कोई डेफिशेंसी है या फिर कोई डिसऑर्डर है तो सभी के लिए हमें मेडिसिन तो चाहिए ही तो बिना मेडिसिनस के हम जो है आ, किसी भी जो डिसीज़ है उसके ट्रीटमेंट करना जो है वो मुश्किल है तो फार्मेसी मेनली एक साइंस है रिगार्डिंग द मेडिसिन तो वह इज फार्मासिस्ट जो फार्मेसी की जो स्टडी करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं कि जो क्वालिफाई हो जाते हैं कि जिनके पास अब फार्मेसी का डिग्री है उनको कहते हैं हम फार्मासिस्ट तो वह इज फार्मासिस्ट तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम आर्ट के अंदर कि फार्मासिस्ट एक क्वालिफाइड पर्सन है कि जिसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफिकेशन है कि चाहे उसने डिग्री की हुई है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी के अंदर कि जो अलग अलग कोर्सेज़ हम देखते हैं कि सभी कोर्सेज़ के अंदर डिग्री के कोर्सेज भी होते हैं डिप्लोमा के लाइक इंजीनियरिंग like तो इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स भी होता है एज वेल एज़ डिग्री इंजीनियरिंग का सेम लाइक दैट फार्मेसी के अंदर भी दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास अवेलेबल होते हैं आफ्टर द ट्वेल्थ साइंस ट्वेल्थ के अंदर आप साइंस की जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो क्वालिफाइड पर्सन जो तैयार होता है जो भी स्टूडेंट जो तैयार होता है वो अब क्वालिफाइड पर्सन है और उसके पास प्रॉपर अब क्वालिफिकेशन है डिग्री है फार्मेसी की और उसको हम कहते हैं फार्मासिस्ट उसको हम क्या कहते हैं फार्मासिस्ट क्या उसके पास अच्छा से नॉलेज भी है एज वेल एज स्किल है तो डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्वालिफाइड पर्सन है प्लस रजिस्टर फार्मासिस्ट है स्टेट फार्मासी काउंसलिंग के अंदर कि सभी स्टेट के अंदर कि समझे कि आप गुजरात से हो तो गुजरात के अंदर भी गुजरात की खुद की स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि जैसे आपको जो कहा जाता है कि लाइसेंस जो मिलता है कि जो हम कहते हैं कि फार्मेसी करने के बाद आपको जो लाइसेंस मिलता है वो है ये रजिस्ट्रेशन करवाना कि लाइसेंस जो मिलता है उसका मतलब ये है कि वो फार्मासिस्ट जो है वो अब रजिस्टर्ड हो चुका है कि गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट फार्मेसी की काउंसलिंग होती है वहाँ पे उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो गया और उसको उसका मिलता है प्रॉपर नंबर कि उसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है लाइसेंस होता है इवन आई कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है कई बार या फिर स्मार्ट कार्ड के जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है फिर आपका कोई आधार कार्ड होता है पैन कार्ड होता है वैसा कार्ड भी फार्मेसी काउंसिल्स देती है कि जो एक आपकी आइडेंटिटी बनती है एज अ फार्मासिस्ट आगे जानते हैं उसी के बारे में फ़ार्मासिस्ट के बारे में तो फार्मासिस्ट है लाइसेंस लाइसेंस भी है और साथ में नॉलेज है टू सेल कि जो फार्मासी के जो स्टोर पे मेडिसिंस को अच्छे से सेल करना उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करवाना कि जब भी जहाँ पे भी किसी पेशेंट को ये मेडिसिन की ज़रूरत है तो फार्मासिस्ट को तुरंत वो मेडिसिनस को डिलीवर करवानी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करवानी चाहिए एंड जरूरत पड़े मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहिए मेडिसिन का तो ये प्रॉपर नॉलेज मिलता है किसी भी पर्सन को आफ्टर डूइंग द कोर्स ऑफ फार्मेसी कि जब आप फार्मेसी का अच्छे से कोर्स कर लेते हैं उसके बाद ये सभी मेडिसिन के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको मिल जाती है तो जो भी जो भी किसी स्टूडेंट्स को फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना है फार्मेसी के कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्मेसी कि फार्मेसी का स्कोप का है तो जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनके रिलेटेड हम ये बात करेंगे कि वॉट इज़ द स्कोप ऑफ ए फार्मेसी तो फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट्स की जिसको हम कहते हैं कि स्पेशली वो हेल्थ केयर के रिलेटेड जुड़ जाते हैं बिकॉज वो स्टडी करेंगे मेडिसिंस के बारे में और आगे जाके वो मेडिसिंस का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके रिलेटेड रिसर्च करेंगे एंड अलग अलग ड्रग एंड डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे तो फार्मेसी प्रोफेशनल कॉल और फार्मासिस्ट मेक देयर करियर इन ए डिफ़रेंट फील्ड एंड ब्रांचिज ऑफ दिस फार्मेसी प्रोफेशन की जो स्कोप देखे फार्मेसी का तो वह काफ़ी ब्राइट स्कोप है फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी बहुत सारी अलग अलग फील्ड के अंदर ब्रांचेस के अंदर उनके बेनिफिट्स मिलते हैं स्कोप्स काफ़ी रहते हैं कि जहाँ पर वो अपना आगे करियर बना सकते हैं जैसे कि कि जो हमारा जो मेन कोर्स है वो डील्स करता है विद द मेडिसिन तो मेनली हम डील्स करते हैं मेडिसिन के साथ कि जो भी फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो डील्स करते हैं विथ मेडिसिन बिकॉज दिस कोर्स इज डील्स विथ मेडिसिन तो जब आप फार्मेसी की पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद आपको अलग अलग फार्मेसी के जो सेक्टर से उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है तो उसके अंदर हम देखें तो स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज आर इन मैन्युफैक्चरिंग कि जो हम बात कर रहे हैं स्कोप की फार्मेसी करने के बाद एज वेल एज़ करियर की कि फार्मेसी करने के बाद जो स्टूडेंट है वो फार्मासिस्ट बन जाता है और फार्मासिस्ट के स्कोप क्या है वो कौन से अलग अलग फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकता है आफ्टर कंप्लीसन ऑफ दिस कोर्स बिकॉज़ जब हम किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले उसके आउटपुट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका स्कोप क्या रहेगा उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे और आगे जाके आप कौन से फील्ड में काम कर पाओगे एंड उसके रिलेटेड आपकी जो सैलरीज वग़ैरह है एज़ेल well जो आपकी जो इनकम है और दूसरी एक चीज़ है कि आपको जो काम पसंद है वो इस तरह से वो वहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आपका माइंड इस तरह से कि आपको मेडिसिंस साइंस रिसर्च वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है तो आगे जाके आप सोसाइटी के काफ़ी जो है वो मदद भी कर सकते कि अलग अलग डिसीज के सामने कोई नए नए रिसर्च करके आप मेडिसिन डेवलप करें एज़ वेल एज़ नए रिसर्च करके ऐसे ड्रग्स डेवलप करें डोजेज फॉर्म डेवलप करें कि जो आगे जाके पेशेंट्स को काफ़ी यूज़फुल रहे तो जो हम कहते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत सारी है तो उसके अंदर जो मेडिसिन का जो मैन्यूफैक्चरिंग होता है उसके अंदर जो है वो आपका करियर बन सकता है उसके रिलेटेड जो डिस्पेंसिंग हम कहते हैं मेडिसिन का फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि जब प्रॉपर रिसर्च करके नए नए ड्रग्स डेवलप करना डोजेस फॉर्म डेवलप करना और फिर वो अवेलेबल होते हैं लास्ट में फिर ड्रग स्टोर के अंदर उसके अलावा आप जो है आपका टीचिंग के अंदर भी आपका करियर बना सकते हैं कि जो फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करने का उनको कोचिंग प्रोवाइड करने का एज अ टीचर भी आप इसमें आपका करियर बना सकते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे जो हम देखते हैं कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं कि जो हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हैं और स्पेशली जो हमें मेडिसिन देते हैं वो होते हैं फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट के बहुत सारे स्कोप है वो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फार्मा ट्री कहा जाता है तो फार्मा ट्री जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्राइट करियर इन्हें फार्मासी कोर्स तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो है एब्रॉड के अंदर एब्रॉड मतलब कि आप अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपना करियर बना सकते हैं कि लाइक किसी को कनाडा जाना है तो फार्मेसी करने के बाद कैनेडा में आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है वहाँ पे फार्मासिस्ट की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है एट्रेक्टिव सैलरीज़ वगैरह आपको ऑफर होती है उसके बाद आप जो है वो यू के अंदर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर रसिया है ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कि यू के अंदर आप जा सकते हैं फिर यू है, के फे यू एस है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड कैनेडा गल्फ़ कंट्रीज़ के लाइक दुबई धाबी वगैरह के जो रीजन है वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की काफ़ी डिमांड होती है तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो एब्रॉड में भी है बिकॉज फार्मेसी है रिलेटेड विद द मेडिसिंस और मेडिसिंस का जो साइंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है कि जो मेडिसिन हम इंडिया में यूज़ करते हैं वही मेडिसिन फॉरेन कंट्रीज में भी यूज़ होती है तो कि समझो कि फ़ीवर होता है तो हम पैरासीटामल हम यहाँ पे लेते हैं सेम लाइक दैट किसी को फीवर होगा तो फॉरन कंट्रीज़ में भी वो पैरासीटामल ही यूज़ करेगा सो so, उसका जो हम स्कोप का है तो सेम रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आप किसी भी कंट्री में जा के अपना करियर जो है वो डेवलप कर सकते हो और काफ़ी एट्रेक्टिव सैलरीज वगैरह आपको ऑफर होती है वहाँ पर फिर आपको खुद का बिजनेस करना है तो केमिस्ट का शॉप भी आप डेवलप कर सकते हैं कि जो रिटेल एज वेल एज होल सेलर टाइप के दोनों टाइप के केमिस्ट शॉप की जो हम मेडिकल स्टोर कहते हैं कि ड्रग स्टोर करते हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं अपना फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आप कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर फार्मासिस्ट की जो रिक्रूटमेंट की जाती है और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो अलग अलग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सिविल हॉस्पिटल से फिर जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑनरशिप वाली हॉस्पिटल से सभी के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं रेलवे के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं मिलिट्री के अंदर फार्मासिस्ट होते हैं तो जितने भी हॉस्पिटल्स हम देखें कि चाहे वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है या फिर वो किसी ट्रस्ट द्वारा उसको चलाया जाता है तो सभी जगह पे फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है तो फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं एज वेल एज़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे अपना करियर बना सकते हैं उसके बाद जो बाजू में है ट्री के अंदर कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कि जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री के अंदर होते हैं वो प्रॉपर प्रोड़, प्रोडक्शन करवाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं मेडिसिंस का और उसके बाद वो मेडिसिंस को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का कि जो कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं इन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो जो कम्युनिटी या फिर जो सोसाइटी है उसको वो मेडिसिनस कैसे यूज़ करने हैं किस तरह से उसको डिलीवर करना है वो काम करेंगे फार्मासिस्ट फिर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं कि जो आप लग अलग अलग लेटेस्ट इनोवेशंस करें रिसर्च करें कि जिससे अभी जो पैकेजिंग है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके कुछ ऐसे नए हम पैकेजिंग भी डेवलप कर सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी फिर मेडिसिन जो तैयार होती है उनका मार्केटिंग करना भी ज़रूरी होता है कि आप जो भी नया मेडिसिन बनाते हैं उसका प्रॉपर आप मार्केटिंग करें कि जिससे सभी को पता चले वो मेडिसिनस के बारे में फिर आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं टिल पीएचडी कि पीएचडी तक कि जब आप तक तक में स्टडी कर सकते हैं फार्मेसी के कोर्स के अंदर रिसर्च करने के बाद आप आगे रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं प्रॉपर आप डॉक्टर मतलब कि पीएचडी की डिग्री भी इसमें ले सकते हैं फिर फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट के नए नए फार्मूलेशन बनाना उसमें भी एक पूरा एक अलग से ही वो उसकी ब्रांच है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की जिसके अंदर जो हम कहते हैं कि मेडिसिन की गुणवत्ता चेक करना उसके रिलेटेड एनालिसिस करना कि मेडिसिन कैसी बनी है उसकी क्वालिटी कैसी है वो सब हम जो हम चेक करते कि कैसी उसकी गुणवत्ता है तो वो रिलेटेड भी एक अलग से ब्रांच होती है वहाँ पे भी आप अपना करियर बना सकते हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कंप्लीटली न्यू रिसर्च करना और न्यू डेवलपमेंट करना फिर जो रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती है अलग अलग कंट्रीज़ की उसके रिलेटेड आपका नॉलेज हो तो आप आ, इंडस्ट्री के अंदर ये भी एक पोस्ट रहती है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स क्योंकि वहाँ पे भी हायर सैलरीज जो है वो को ऑफर की जाती है इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और एकेडमिक्स ये भी एक कोर्स जो आपका स्कोप बनता है कि जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के कोर्स में स्टडी करते हैं उनको आप उसको अच्छे से स्टडी कराओ जिसके अंदर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर तक आप बन सकते हैं लास्ट में आप प्रिंसिपल किसी यूनिवर्सिटी के डीन या फिर फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो होती है उसके मेंबर्स तक भी बन सकते हैं वो आप पे डिपेंड है तो ये जितनी भी फार्मा ट्री हम देख रहे हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह है तो सभी के अंदर आप अपना जो करियर है वो बना सकते हैं और डिपेंड करेगा यहाँ पे दो चीज़ एक तो आपका इंटरेस्ट एक चीज़ आप यहाँ पे अफेक्ट करेगी वो है आपका इंटरेस्ट कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद जरूरी होता है कि इंटरेस्ट रखना उसके अंदर और सेकंड चीज़ है आपका स्किल क्या आप उसके अंदर कैसे स्किल आपकी डेवलप करते हैं तो इंटरेस्ट एंड स्किल समझो कि आपके पास हो और तीसरी चीज आप उसके अंदर मिक्स कर दे वो आपका नॉलेज वो आपका नॉलेज तो फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर के चाहे आप फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जाए चाहे आप रिसर्च में जाते हो एकेडमिक्स में जाते हैं आप जो है वो काफ़ी अच्छा अपना दाम बना सकते हैं एज वेल एज आपका एक करियर जो है वो प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के अंदर बेज ऑन योर इंटरेस्ट बिकॉज सभी के अंदर अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस है तो ये सभी को इंडिविजुअली और डिटेल में आपको सीखना हो तो हमने एक और लेक्चर आपके लिए बनाया है यहाँ पे जो आई बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको लेक्चर मिलेगा करियर एज अ फार्मेसी उसमें कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जो अब्रॉड में रहती है कितनी सैलरीज वग़ैरह मिलती है एकेडमिक्स में आप कितना अर्न कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर आप किस तरह से अलग अलग उसके डिपार्टमेंट रहते हैं क्या स्टडी रहती है तो वो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो रेडियो लेक्चर से तो यहाँ पे हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसमें से कुछ आपने नाम सुने होंगे शायद तो आपने नाम सुना होगा सिप्ला है सिप्ला का नाम सुना होगा फिर ग्लैंडमार्क है जी एस के है कि आपके घर पे जो भी कोई दवाइयाँ हो उसके आप लेबल्स शायद पढ़ने के आपको इंटरेस्ट होता है आप ऐसे अलग अलग मेडिसिंस के जो मैन्युफैक्चर है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उसके आपने नाम जरूर से देखे होंगे फिर जाइडस है फिर इंटास करके है एबोट है मैनकाइंड है सन फार्मा है जाइडस कैडीला है रैनबैग सी का आपने नाम सुना होगा तो ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ़ फार्मा कम्पनीस है कि जो टॉप फार्मा कंपनीज है कि यहाँ पर लॉगोज जो हम देख रहे हैं ऑल आर द टॉप इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल फार्मासटिकल कंपनीस की जो काफ़ी फेमस है दुनिया भर के अंदर तो ये सभी ये में से किसी भी फार्मा कंपनीज के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं कि जो हमने फार्मा ट्री के अंदर देखा उसके अकॉर्डिंग टू फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट अपना करियर किसी भी फार्मा कंपनी के अंदर अपना बना सकते हैं तो हु कैन टेक द एडमिशन इन फार्मेसी अब जो हमारा मेन टॉपिक था ये कि फार्मेसी कोर्स की जो जानकारी जो आपको चाहिए तो सबसे पहले तो हमने आपको फार्मेसी के बारे में डिटेल में बता दिया कि फ़ार्मेसी क्या है उसमें किस तरह से स्टडी की जाती है कौन से अलग अलग उसके करियर के ऑप्शंस रहते हैं फार्मेसी करने के बाद अब जो स्टूडेंट्स को फार्मेसी में काफ़ी इंटरेस्ट है मेडिसिन में इंटरेस्ट है और उनको एडमिशन लेना है फार्मेसी के अंदर तो वो स्टूडेंट्स अपना करियर बना सकते हैं फार्मेसी के अंदर आफ्टर डेल ट्वेल्थ साइंस तो सबसे पहले जो फार्मेसी का कोर्स किसी स्टूडेंट को करना है तो पास करना चाहिए ट्वेल्थ और ट्वेल्थ विज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कि चाहे आप फिज़िक्स हो आपने लिया हुआ कि जो हम ग्रुप कहते कि फ़िजिक्स केमिस्ट्री एंड तीसरा सब्जेक्ट रहता है बायोलॉजी अगर बायोलॉजी ना हो और मैथमेटिक्स हो तो भी एडमिशन जो है वो फार्मेसी के अंदर मिल जाता है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो होता ही है बट समझे कि आपका मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है तो भी आपको एडमिशन अब मिल जाता है दोनों जो ग्रुप्स जो हम कहते हैं कि एक ग्रुप बनता है पी का ग्रुप एक ग्रुप बनता है पी सी की जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और दूसरा ग्रुप बनता है पी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो पी या फिर पी दोनों स्टूडेंट्स जो है वो ट्वेल्थ साइंस पास करने के बाद फार्मेसी के कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं तो ये है सबसे पहले उसका बेसिक के सबसे आपका बेसिक क्या चाहिए तो टेन प्लस टू जो हम कहते हैं कि ट्वेल्थ आपने ज़रूर से किया होना चाहिए और उसमें भी साइंस ट्वेल्थ के अंदर आपने साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं कि लाइक फिज़िक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स की आपने प्रॉपर स्टडी की है स्टूडेंट हैव टू सिक्योर अ मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क इन क्वालिफाइंग एग्ज़मिनेसन कि आपकी एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल बन जाते हैं फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एंड जो स्टूडेंट को बी फॉर्म करना है कि जो हम कहते हैं बैचलर डिग्री इन फार्मेसी तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो स्टूडेंट होते कि जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है टू ईयर का तो वो भी एडमिशन ले सकते बट डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए भी ज़रूरी होता है ट्वेल्थ साइंस तो ट्वेल्थ साइंस सबसे पहले बेसिक आपका एलिजिबिलिटी है कि बेसिक जो हम योग्यता जो कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए तो आपने ट्वेल्थ के अंदर साइंस किया होना चाहिए एंड आपने फिज़िक्स के अंदर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट थे आपके या फिर मैथमेटिक्स था फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए तो फार्मेसी के अंदर टोटल चार हम कहे तो मेन कोर्सेज बन जाते हैं कि जो फर्स्ट कोर्स है कि हम देखें कि फार्मेसी कोर्सेज एंड उसके ड्यूरेशंस तो फर्स्ट कोर्स रहता है एक डिप्लोमा इन फार्मेसी का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कि जिसके अंदर टोटल टू ईयर्स तक आप स्टडी करते हैं और उसके बाद जो आपको क्वालिफिकेशंस मिलता है वो कहा जाता है डी फार्म उसके बाद सेकंड है बैचलर इन फार्मेसी कि जो होता है टोटल फोर इयर्स के लिए कि जिसको हम कहते हैं बी फार्म थर्ड है वो है मास्टर इन फार्मेसी मास्टर इन फार्मेसी तो वो कोर्स रहता है टू इयर्स का कि जिसको हम कहते हैं एम फार्म एंड फोर्थ रहता है पीएचडी इन फार्मेसी कि जिसका कोर्स ड्यूरेशन रहता है थ्री टू फाइव इयर्स तक का एंड उसको हम कहते हैं पीएचडी का डिग्री तो ये चार ऑप्शंस रहते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अगर वो डि डी फॉम भी कर सकता है या फिर बी तो डी जो है वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है कि सिर्फ दो साल के लिए आप समझो कि आपको ज़्यादा हायर स्टडी नहीं करनी है सिर्फ आपको मेडिसिन का नॉलेज लेना है प्लस उसके रिलेटेड आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट होना है एंड आपको आपका खुद का मेडिकल स्टोर वग़ैरह ओपन करना है और उसके लिए डिए 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 आपको लाइसेंस चाहिए या फिर नॉर्मल सी आपको पी एच से सेंटर के अंदर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के तौर पे जॉब करनी है तो बेसिक कोर्स कर लेते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स कि जो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कि जो होता है सिर्फ दो इस साल के लिए और जिसको आगे हायर स्टडी का प्लानिंग है तो वो बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स करते कि जो चार साल का होता है और जिसको हम कहते हैं बी फार्म तो ज़्यादा एडवाइजेबल यही रहता है कि आप डिग्री का कोर्स करें बिकॉज ये करने के बाद आपको डिग्री मिलती है और यहाँ पे आपको डिप्लोमा का कोर्स मिल मिलता है जो सर्टिफिकेट मिलता है वो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है वो होता है डिग्री सर्टिफिकेट तो बेटर रहता है, है कि आप डिग्री में ही एडमिशन लो डायरेक्टली बिकॉज डिप्लोमा के बाद कई स्टूडेंट डिग्री करते हैं बट उससे बेटर है कि डायरेक्टली आप बैचलर इन फार्मेसी के अंदर आपको एडमिशन मिलता है तो डायरेक्टली आप कहे जाओगे बीफाम ग्रेजुएट्स कि जो हम ग्रेजुएशन की जो बात करते हैं कि ग्रेजुएशन आप एक बार करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दे पाते हैं कि लाइक कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसी होती है कि जिसके अंदर बेसिक क्वालिफिकेशन सब बन जाता है ग्रेजुएशन कि डिप्लोमा के स्टूडेंट भी कई बार वो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो कि लाइक यू का आपको फॉर्म भरना है तो यू के लिए ज़रूरी होगा ग्रेजुएसन होना कि जैसे कुछ ऐसी हायर पोस्ट आती है फार्मेसी रिलेटेड लाइक ड्रग इंस्पेक्टर है तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन होता है बी फार्मेसी तो बेटर है कि आप डिग्री या फिर जो हम कहते हैं बैचलर इन फार्मेसी का कोर्स करें चार साल का बी फार्म के बाद कि जो स्टूडेंट बी फार्म कर लेते हैं उसके बाद वो एम फॉर्म कर सकते हैं एंड एम फॉर्म के बाद आप पी तक हायर स्टडी भी कर सकते हैं तो सभी को हम अब जानते हैं डिटेल में शुरुआत करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी से तो आफ्टर ट्वेल्थ साइंस आफ्टर द ट्वेल्थ साइंस बारहवीं के बाद आप पी ग्रुप से हैं या फिर पी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैन डू डिप्लोमा इन फार्मेसी वो स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं ये कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा टू ईयर्स का डिप्लोमा इन फार्मेसी का ड्यूरेशन है टू ईयर्स का आफ्टर कंप्लीसन स्टूडेंट गेट द क्वालिफिकेशन ऑफ डी फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट को जो डिग्री जो सब कहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है वो कहे जाते हैं डी फॉम एंड ऑल्सो बिकम एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो जो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बेस पर आपको जो लाइसेंस मिलता है तो लाइसेंस के लिए जिसके बेसिस पे आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं फार्मेसी ओपन कर सकते हैं तो उसके लिए आपको डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका गोल इतना ही है कि आपको ट्वेल्थ के बाद अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना है और उसी से आपको आगे आपका करियर बनाना है तो आगे आपको हायर स्टडी नहीं करनी तो आप सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी का टू इयर्स का कोर्स कर सकते हैं बट समझे कि आपके गोल ऐसे कि आपको काफ़ी आगे जाके हायर स्टडी भी करनी है तो डायरेक्टली आप डिग्री के अंदर एडमिशन लो वो ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा हमारी तौर से तो डी फॉर्म क्वालिफिकेशन एंड रजिस्टर फार्मासिस्ट मेक यू एलिजिबल टू ओपन योर ऑन मेडिकल स्टोर कॉलेज फार्मासी स्टोर कि ट्वेल्थ साइंस के अंदर पी या फिर पी के बाद जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है कि पी मीन्स फिजिक्स सी केमिस्ट्री बी बायोलॉजी एम मैथेमेटिक्स जो हम कहते हैं और आपको मिल गया है डी फॉम का प्रॉपर क्वालिफिकेशंस और आप रजिस्टर फार्मासिस्ट भी बन गए तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कि जिसको हम कहते हैं फार्मासी स्टोर ऑल्सो यू कैन गिव ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन एक और चीज़ कि आप गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं बट सम पोस्ट रिक्वायर टू ईयर एक्सपीरियंस विथ डी फॉर्म टू एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब तो जो एलिजिबिलिटी में क्या लिखा होता है इस तरह से लिखा होता है जब पोस्ट आती है तब तो कि डी फॉर्म प्लस टू ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन के मेडिसिन का डिस्पेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो टू ईयर आपने किया डी फार्म प्लस टू ईयर आप एक्सपीरियंस गेन करते तो एटलीस्ट हो गए आपके चार साल तो उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा के जो फ्रेशर से वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि डीफार्म प्लस टू ईयर्स एक्सपीरियंस बिकॉज इक्वी बैलेंस से लाने के लिए कि जो बैचलर ऑफ़ फार्मेसी है कि जो डिग्री कोर्स हम कहते हैं उसके साथ इक्वी बैलेंस करने के लिए ये डिप्लोमा के साथ टू ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मांगते हैं बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर और यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करूँगा कि जो सिर्फ डिप्लोमा तक स्टडी करते हैं वो आगे जा के का एग्जाम नहीं दे सकते ना ही कोई स्टेट लेवल जो कोई नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होती है कि लाइक आप गुजरात के हैं और गुजरात में समझो कि जी की एग्ज़ाम होती है महाराष्ट्र के अंदर एम की एग्ज़ाम होती है तो वो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो होता है डिग्री या फिर जो हम कहते हैं आपका ग्रेजुएसन हो आपका क्या हुआ ना चाहिए ग्रेजुएसन तो डिप्लोमा का जो कोर्स है वो आपको ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन नहीं देता डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स आपको सिर्फ़ डिप्लोमा का ही क्वालिफ़िकेशन देता है ठीक है तो अगर समझो कि आपको ग्रेजुएट होना है ग्रेजुएशन करना है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेक्ट ना करिए आप जो है वो नेक्स्ट कोर्स है वो सिलेक्ट करिए वो है बैचलर ऑफ़ फ़ार्मेसी कि बैचलर ऑफ़ फ़ार्मेसी के लिए भी क्वालिफ़िकेशन सेम ही रहेगा कि ट्वेल्थ साइंस और ट्वेल्थ साइंस के अंदर आपका पी हो या फिर पी कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स वाला ग्रुप हो आपका या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो कि पी या फिर पी हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली डिग्री के अंदर कि जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी बैचलर ऑफ़ फार्मेसी कॉल और बी फार्म फोर ईयर कोर्स ड्यूरेशन टोटल चार साल का ये कोर्स रहेगा और उसके अंदर फोर इंटू टू इज़ इक्वल टू टोटल एट सेमिस्टर होंगे कि जब समझो कि आपकी यूनिवर्सिटी की आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे समझो कि सेमिस्टर सिस्टम है तो आपको टोटल एट सेमिस्टर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी टोटल एट सेमिस्टर ऑफ दिस कोर्स B फार्म After complete the completion student will get the qualification of B फार्म कि जो student complete कर लेंगे ये course उसके बाद उनको B फार्म का क्वालिफिकेशन दिया जाता है कि जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी बैचलर का बी और फार्मेसी का फॉर्म उस पर से उसको कहते हैं हम बी फार्मो बिकम एलिजिबल टू बी रजिस्टर फार्मासिस्ट एंड दिस इज ए डिग्री कोर्स गिव यू बैचलर डिग्री की जिसको हम कहते हैं बिफाम ग्रेजुएट क्या आप ग्रेजुएट कह कह कहलाते हो बैचलर डिग्री आपके पास होती है और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने के लिए एज वेल एज यू कैन मेक द करियर इन वेरियस कोर्सेस तो ये जो पूरा फार्मा ट्री है कि जो मैंने आगे भी आपको समझाया उसके अंदर आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं आफ्टर द बी फार्म कि जो हमने फार्मा ट्री देखा उसमें कि समझो कि आप क्वालिटी एश्योरेंस क्यू या क्यूए क्यू सी में जाते हैं आप फार्मुलेशन या डेवलपमेंट में जाते हैं प्रोडक्शन्स में जाते हैं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एकेडेमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रग रेगुलेटरी अफेयर सभी के लिए जरूरी है बैचलर का डिग्री एकेडमिक्स के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए कि जो हम आगे समझते हैं मार्किटिंग भी, भी आप जा सकते हैं हायर स्टडी कर सकते हैं कैमिट तो डिप्लोमा भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ भी ओपन कर सकते हैं एब्रॉड के अंदर अपॉर्चुनिटीज जब आपको क्रिएट करनी है तो डिप्लोमा नहीं चलेगी आपको समझो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का आपका प्लानिंग है तो आप जो है वो बी फार्म ही करिए बिकॉज बी फार्म करने के बाद आपके पास ऑप्शनस रहते हैं काफ़ी सारे के आप रिसर्च में जा सकते हैं आप डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बन के गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं एज वेल एज़ प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे और क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कि जिसको हम कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस डिपार्टमेंट कि जहाँ पे मेडिसिन के रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च किए जाते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए जिसको हम कहते हैं उसकी गुणवत्ता तो यह था बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स उसके बाद है मास्टर डिग्री तो मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी मास्टर ऑफ साइंस ऑफ अ फार्मेसी या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी जिसको हम कहते हैं एम फार्म इज द स्टैंडर्ड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी मास्टर डिग्री जो कोई स्टूडेंट्स लेते हैं वो पूरा जो प्रोग्राम तैयार होता है दो साल का वो है एम फार्म और वो कर सकते हैं आप आफ्टर द बी फार्म के बाजू में आप चार्ट में देख सकते हैं आफ्टर बी फार्म ये कोर्स रहेगा टू ईयर्स के लिए आफ्टर द बी फॉर्म दिस कोर्स इज ए टू ईयर्स एंड इसको पोस्ट ग्रेजुएशन जो हम कहते हैं कि ग्रेजुएसन जो है वो उसके बाद जो आप सेकेंड आगे जो पढ़ाई करते हैं वो होता है पोस्ट ग्रेजुएसन तो जो आप बी का स्टडी करते हैं बी फॉम की जो आपने पढ़ाई की दो साल के लिए चार साल के लिए उसके बाद और दो साल के लिए आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएसन ऑल बी ग्रेजुएट बिकम्स एलिजिबल टू डू मास्टर डिग्री कि जितने बी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं टू डू मास्टर डिग्री ऑन एनी स्पेशलाइज सब्जेक्ट और फार्मेसी बेज ऑन जी पैट एग्जाम रैंक और नॉन जी पैट रैंक ये एक जरूरी है कि जो हम कहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो जी पैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कि जो आपको बी फॉर्म के फाइनल ईयर के अंदर देनी होती है कि जिसका फॉर्म फुल फॉर्म बनता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्लीट्यूड टेस्ट कि जो ग्रेजुएट होते हैं फार्मेसी के अंदर वो ही स्टूडेंट दे सकते हैं या फिर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर है बी फार्म कोर्स के तो वो स्टूडेंट जी के एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये कोर्स का ड्यूरेशन होगा टू ईयर्स तो समझो कि जो स्टूडेंट को बी फार्म के बाद एम फार्म करना है तो उसको सेमिस्टर वन से ही साथ में शुरू कर देनी चाहिए जी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कि ये जो जी के एग्ज़ाम जो होती है वो होती है एम बेस कि जो हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एग्ज़ाम्स के कोई सेंटेंस और उसके रिलेटेड नीचे चार ऑप्शन ए बी सी एंड डी इस टाइप की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्ज़ाम ली जाती है जीपेट की और उसके रैंक के बेसिस पे आपको आगे स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या आप समझो कि वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मास्टर डिग्री करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है और वो स्कॉलरशिप होती है अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड फॉर हंड्रेड रुपीस पर मंथ हर मंथ आपको जो गवर्नमेंट है वो बारह हज़ार चार सौ रुपये स्कॉलरशिप देती है कि अगर आप जी पेट के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद दो साल के लिए एम फार्म का कोर्स करते हैं बी फार्म के बाद और उसका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके अंदर आपको जो सरकार है वो हेल्प करती है स्कॉलरशिप देकर बारह हज़ार चार सौ रुपये पर मंथ और दो साल का एटलीस्ट आपको थ्री लैक्स जितना स्कॉलरशिप मिलता है बट यह तभी पॉसिबल है कि जब आप ये जी का एग्जाम क्वालिफाई करें एडमिशन तो मिल जाता है बट फिर आप नॉन जी के रैंक पे लेते हैं कि जी पैड क्वालिफाई नहीं की बट उसका नॉन जी जो रैंक है उसके बेस पे लेते एडमिशन मिलेगा बट उस वक्त आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती स्कॉलरशिप तभी मिलती है कि जब आप जी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करो तो ये है मास्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कि जो स्टूडेंट बी फॉर्म करता है उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएसन का कोर्स कर सकता है एंड वो एलिजिबल बनता है बी फार्म के बाद एम फार्म करने के लिए आफ्टर क्वालिफाई द जी पैट एग्ज़मिनेशन और नॉन जी पैट रैंक और समझो कि आप मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त आप जी पैट क्वालिफाई हो या ना हो रैंक आपकी हो अच्छी ना हो तो भी आपको एडमिशन तो मिल जाएगा बट जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं मिलती तो वो बात है कि आप जो है स्कॉलरशिप के साथ करना चाहते हैं मास्टर ऑफ डिग्री मास्टर ऑफ़ फार्मेसी तो जी का एग्जाम जरूर से क्लियर करिए उसके रिलेटेड भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे फार्मर ऑफ्स के जो यूट्यूब चैनल है स्पेशली हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करते हैं उनके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एज़ वेल एज़ उनके सेमिस्टर एग्ज़ाम्स के लिए तो जो भी स्टूडेंट बी के बाद एम कर लेता है उसको जो डिग्री मिलती है वो हम कहते हैं मास्टर डिग्री और वो सर्टिफिकेट उसका मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट कहा जाता है और मास्टर डिग्री करने के बाद उसके लिए काफ़ी अलग अलग और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है इन अ फार्मेसी तो उसमें से एक और अपॉरचुनिटी है वो है पीएचडी कि आफ्टर द एम फॉर्म एम फॉम कर लेने के बाद और एम फॉम के अंदर आपके मिनिमम होने चाहिए 50 परसेंट मिनिमम 50 परसेंट और आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी एग्ज़ाम के लिए तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो है फिफ्टी परसेंट तो ही आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं कि आपको जब फॉर्म फिलअप करना है पीएचडी करने के लिए तो एम फॉर्म के अंदर आपके ज़रूर से फिफ्टी परसेंट चाहिए उसके बाद नीड टू क्लियर पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पी एच डी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है वो आपको क्लियर करनी पड़ती है एंड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको देने पड़ते हैं वाइवा और वाइवा के अंदर आपको आपका जो प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनाना होता है कि ये प्रेजेंटेशन के बेस ऊपर आपको जो है वो आगे क्वालिफाई किया जाता है कि आप एलिजिबल है या नहीं रिसर्च करने के लिए तो रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन मस्ट बी रिक्वायर बेज ऑन द टॉपिक ऑफ योर पी एच डी आपको जो टॉपिक के ऊपर अब कोई पी करना है तो वो टॉपिक के रिलेटेड आपको एक रिसर्च पे प्रपोजल बनाना होता है एंड उसके बेसिस पे क्या आप समझे कि वो पास कर लेते हैं आपके वाइवा कि जो आपने रिसर्च का प्रॉपर प्रपोजल रखा है कमेटी के सामने और वो कमेटी जब आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है पास करती है फिर आपको वो यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल किया जाता है पीएचडी करने के लिए और फिर एटलीस्ट आप फुल टाइम करते हो तो थ्री इयर्स के लिए और पार्ट टाइम करते हैं विथ जॉब तो पाँच साल होता है आपको तो मिनिमम थ्री मैक्सिमम फाइव टू सिक्स ईयर के अंदर आप अपना पीएचडी वर्क कंप्लीट करके आप जो है वो डॉक्टरेट बन सकते हैं और जो आपको डिग्री भी दी जाती है उसके बाद वो कहा जाता है पीएचडी कि आपके पास अब जो डिग्री है वो है पीएचडी की डिग्री है कि जो सबसे हायर क्वालिफिकेशन कहेंगे हम फार्मेसी के फील्ड के अंदर तो प्रॉपर इसमें आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर तीन से लेकर पाँच साल तक रिसर्च करना होता है उसके रिलेटेड एक रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं अलग अलग अपना खुद का एक थीसिस पब्लिश करते हैं और उसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पीएचडी का प्रॉपर क्वालिफिकेशंस देती है डिग्री देती है और उसके बाद आप जो है वो डॉक्टरट कहलाते हो आपका जो भी नाम है उसके आगे आप फिर डॉक्टर लिख सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जो भी कोई पर्सन है कि डॉक्टर एक्स वाई जेड तो पीएचडी एच का के बाद आपको जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है डॉक्टर एक्स वाई जेड आपका जो भी नाम हो उसके आगे आप डॉक्टर लिख सकते हैं आफ्टर डूइंग द पीएचडी। तो ये थी सफ़र पूरी फार्मेसी के कोर्स की अब जानते हैं उसके सब्जेक्ट्स के बारे में तो सिलेबस ऑफ फार्मेसी इज सेम इन ऑल ओवर द इंडिया इन एनी फार्मेसी कॉलेज कोई भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लो तो ऑल ओवर द इंडिया सिलेबस जो है वो सेम है सिलेबस जो है फार्मेसी का सेम है तो उसका रीज़न क्या है व्हाट इज़ द रीज़न तो उसका रीज़न ये है कि जो फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया कि जिसको हम कहते हैं पी फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की जो एक गवर्निंग बॉडी हम कहे कि जो फार्मेसी के जो कोर्सेस है उनको प्लस फार्मेसी की जो अलग अलग कॉलेजेस है उसके ऊपर उनका एक प्रॉपर कंट्रोलिंग है कि अ सैचुएटरी सेचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसका जो हेड क्वार्टर्स है दिल्ली के अंदर है न्यू दिल्ली के अंदर एंड प्रोवाइड द यूनिवर्सल सेम सिलेबस ऑफ कोर्सेस इन ऑल ओवर इंडिया और जो कॉलेज़ फार्मेसी काउंसिलिंग इंडिया द्वारा अप्रूवल होती है वही से आपको बी फार्म करना चाहिए डी फॉम या फिर आप जो भी कोई आगे जो हमने कोर्सेस देखे उसमें से कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट करते हैं फार्मेसी रिलेटेड तो आपको सबसे पहले आपको वो इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल है या नहीं तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जो अप्रूवल जो कॉलेजेस होती है अप्रूवल कॉलेजेस एज वेल एज जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है सभी के अंदर फार्मेसी का कोर्स जहाँ पे चलाया जाता है वो जरूरी है कि वो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंडर में आती हो और तभी जो है उनका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सल एज वेल एज सेम रहेगा ऑल ओवर द इंडिया सो द डिग्री बिकम्स वैल्यूएबल इन स्टेट और रीजन ऑफ इंडिया कि चाहे आप कोई भी स्टेट से करते हैं किसी भी रीजन से आप फार्मेसी करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो ऑल ओवर द इंडिया सेम रहेगी बिकॉज आपने सेम सिलेबस की स्टडी की है बिकॉज दिस इज़ ड्यू टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में एक ही सिलेबस जो है वो आप डिज़ाइन करके दिया है जिससे आप किसी महाराष्ट्र के कॉलेज में एम फार्म कर रहे हैं बी फार्म कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं एंड आप समझो कि कोई कॉलेज के अंदर कि लाइक वेस्ट बंगाल के अंदर अरुणाचल प्रदेश है कश्मीर है राजस्थान है किसी भी स्टेट में आप कर रहे हैं तो दोनों का जो सिलेबस है वो सेम रहेगा बिकॉज ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल की गई कॉलेजेस है वह सभी के अंदर जो सिलेबस है वो हमेशा सेम रहता है दिस प्रोवाइड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोर्स कि आपका जो ये कोर्स है वो यूनिफॉर्मिटी दर्शाता है सेम रहता है ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हम कहें तो भी फार्मेसी का जो मेडिसिन का जो नॉलेज है उसके रिलेटेड जो साइंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है बिकॉज जो भारत में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की जाती है कि भारत में बनी दवाइयों की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज में अंदर भी रहती है तो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस जो हम कहे है उसका जो डिमांड है वो ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो आप जानते हैं डिटेल में सब्जेक्ट्स के बारे में तो आप स्टडी करोगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कि जो स्पेशली जो एनाटॉमी कि जो रिलेटेड टू है आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी के रिलेटेड कि जो बायोलॉजी के अंदर जो आप अलग अलग एनाटॉमी पढ़ते थे फिजियोलॉजी पढ़ते थे अलग अलग हमारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में वो पूरा स्टडी करेंगे आप फार्मेसी के अंदर फिर जो हम एनालिसिस की जो बात करते हैं गुणवत्ता चेक करने की तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फिर फार्मास्यूटिक्स की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बेसिस है कि जिसके अंदर जो अलग अलग टैबलेट्स है कैप्सूल है सिरप है इमल्सन है कि जितने भी हम अलग अलग डोजेस फॉर्म देखते हैं कि जो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं उनके रिलेटेड स्टडी फार्मास्यूटिक्स के की जाती है फिर केमिस्ट्री की जो आप स्टडी कर देगी चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों आएगा फार्मेसी के अंदर फिर बायोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट आएगा मैथेमेटिक्स भी आएगा बट वो ऑप्शनल रहेगा कि जो स्टूडेंट्स ने ट्वेल्थ के अंदर जो मैथमेटिक्स कौन से स्टूडेंट्स को स्टडी करना है तो पी ग्रुप वाले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोलॉजी जो पढ़ना है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा कि जो मैंने बात की कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के केमिस्ट्री आपको पढ़ना है डिटेल में फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी के फार्मेसी के अंदर कंप्यूटर्स का जो यूज़ क्या है यूटिलाइजेशन क्या है वो स्टडी की जाती है तो वो पूरा सब्जेक्ट्स फिर केमिस्ट्री बट बायोलॉजिकल केमिस्ट्री की जिसको हम कहते हैं बायो फिर पैथोफिजियोलॉजी की जिसके अंदर आप जो एनाटोमी के बाद जो अलग अलग डिसीज़ है डिसऑर्डर्स होने के जो रीज़न्स होते हैं कि लाइक समझो कि कोई भी डिसीज़ है कि लाइक टीबी है तो टीबी की जो डिसीज़ है उसके जो होने के कारण उसके साइन एंड सिम्टम्स उसकी मेडिसिन किस तरह से उसको हम क्योर कर सकते हैं वो रिलेटेड स्टडी फिर समझो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है तो वो कैसे ऑटोमेटिक क्योर होती है तो वो जो पैथोफिजियोलॉजी आप स्टडी करोगे उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की जो हमारा पर्यावरण रिलेटेड सब्जेक्ट है फिर फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स की जो फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट जो फार्मेसी के अंदर अप्लाई होते हैं उसके रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा फिर माइक्रोबायोलॉजी की जो हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म सूक्ष्म जीवाणुओं के जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी रहेगा उसी के रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट फार्मेसी के अंदर कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उनके बेनिफिट्स क्या है वो सब्जेक्ट फिर मेडिसिन का जो साइंस और उसके रिलेटेड केमिस्ट्री के कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है मेडिसिन को डेवलप करने के लिए वो आप स्टडी करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में फार्माकोलॉजी तो पूरा सब्जेक्ट रहेगा ए टू जेड रिगार्डिंग द मेडिसिनस की मेडिसिन के बारे में सभी आप डिटेल में उसकी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे कि कोई भी कोई ड्रग है तो उसकी आपकी बॉडी पर कैसे इफ़ेक्ट होती है उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होती है किस तरह से वो काम करता है एज़ वेल एज़ हमारे बॉडी के अंदर कैसे मेडिसिन वर्क करती है वो सब आप कॉलोजी के अंदर स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसिस स्पेशली है बेज ऑन हर्बल एंड आयुर्वेदा कि जो हम हर्बल ड्रग्स के बारे में जो बात करते हैं हर्ब कि जितने भी अलग अलग हर्ब्स से हर्बल से वो सभी रिलेटेड फार्माकोग्नोसी के अंदर आप स्टडी करोगे फाइटोकेमिस्ट्री भी उसी के रिलेटेड रहेगा कि जो अलग अलग जो हर्ब्स है अलग अलग जो प्लांट है उसके रिलेटेड जो स्टडी है उनके केमिकल्स की स्टडी वो फाइटोकेमिस्ट्री में करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासी स्पेशल जो फार्मेसी की जो एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में कैसे होती है वो आप स्टडी करेंगे देन फार्मास्यूटिकल ज्यूरी प्रूडेंस ज्यूरी मतलब कि जो हम कहते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी फॉरेंसिक फार्मेसी कि इसके अंदर जो आप अलग अलग जो हम लॉज रिलेटेड जो स्टडी करते हैं कि अलग अलग जो लॉज होते हैं अलग अलग जो कायदे होते हैं जो कानून बनाए हैं फार्मेसी के अंदर और फार्मेसी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जितने भी अलग अलग कानून हैं वो सभी की जो स्टडी है वो ये सब्जेक्ट में आप करोगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरी प्रूडेंस के अंदर उसके बाद हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की जो हर्बल्स पे ऊपर है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मा को मतलब कि कोई टैबलेट या मेडिसिन लेते हैं तो कितने घंटे बाद वो टैबलेट या कैप्सूल या फिर वो इंजेक्शन की आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट होती है तो वो जो हम कहते हैं काइनेटिक्स बायोफार्मास्यूटिक्स वो स्टडी करेंगे आप फिर क्वालिटी एश्योरेंस की जो क्वालिटी चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं एनालिसिस करने के लिए फिर फार्मेसी प्रैक्टिस तो वो कि कैसे आप हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हम कहते हैं वो सभी का डिटेल स्टडी रहता है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो हम लेटेस्ट इनोवेश जो देखते हैं कि अलग अलग ऐसे डोजेस हम आते हैं कि जो हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं सेफ होते हैं तो वो नए नए रिसर्च होते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर फिर फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के फार्मा के अंदर आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कैसे अलग अलग रेगुलेटरी साइंस के बारे में आप स्टडी करते हैं फार्मा को विजिलेंस की जो स्पेशली आप मेडिसिन के साइड इफेक्ट उनके इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं तो ये सभी इन्वॉल्व से फार्मेसी के कोर्सेज़ के अंदर तो ये था प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ फार्मेसी के जिसके अंदर हमने फार्मेसी के बारे में जाना उसके स्कोप के बारे में जाना एज वेल एज उसके अलग अलग कोर्सेस उसके सब्जेक्ट और उनके इंपोर्टेंस के बारे में हमने स्टडी की तो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मिल गया होगा रिगार्डिंग द फार्मेसी कोर्स अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए जरूर से हम आपके लिए उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो लेक्चर डिज़ाइन करेंगे अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स व्हाट्सएप नंबर है आपको आपका नाम सिटी नेम लिख कर व्हाट्सएप करना है चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ रॉक्स क्या अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना ही है और फार्मेसी के रिलेटेड अच्छा नॉलेज गेन करना है तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेडिसिंस के रिलेटेड और नॉलेज के लिए का मोबाइल एप्लीकेशन तो जरूर से डाउनलोड करिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन एंड जर्नी फॉर अ फार्मेसी कोर्स गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट